तो स्टूडेंट्स, लास्ट के 3 एपिसोड्स में हमने प्रोज के फर्स्ट लेसन को डिस्कस किया था, ठीक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट को। आई होप कि आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स भी मिल गए होंगे, उसकी समरी भी आपको समझ में आई होगी। तो फर्स्ट लेसन प्रोज में से हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने शिफ्ट किया है पोइट्री पर, ठीक है। जैसे प्रोज में से फर्स्ट लेसन हुआ है, ऐसे हम पोइट्री में से आज फर्स्ट पॉइम को उठा रहे हैं, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट पॉइम है प्रेयर, उसको लिखने वाले हैं जी ए महजूर। क्या नाम है उनका? उनका फुल नेम है गुलाम अहमद महजूर, ठीक है। तो पोइट्री की समरी पर आने से पहले मैं आपको जी ए महजूर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन उनकी दे देता हूँ। तो उसमें लिखता है ये, द पॉइम प्रेयर इज़ ओरिजिनली रिटन बाई जी ए महजूर। हमारी इस पॉइम के ऑथर कौन है, इसके पोइट कौन है? जी ए महजूर हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन अगस्त 11 इन द ईयर 1887 इन मित्रीगाम एरिया ऑफ पुलवामा ऑफ साउथ कश्मीर एंड डाइड एट द एज ऑफ 66 ऑन अप्रैल 9 इन द ईयर 1952। तो उनका जन्म जहाँ पर हुआ था, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है पुलवामा, ठीक है, साउथ कश्मीर में ये डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के ये रहने वाले थे। फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह रिलीज्ड अ पोस्टेज स्टंप इन हिज ऑनर ऑन June 26 इन द ईयर 2013। तो 2013 में, जो उस टाइम करके हमारे प्रधानमंत्री थे ऑनरेबल डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने पीरज़ादा गुलाम अहमद महजूर की याद में, उनकी रिस्पेक्ट में एक पोस्टल स्टंप को भी स्टार्ट किया था, ठीक है। तो स्टंप्स उन्हीं लोगों के नाम से स्टार्ट किए जाते हैं या फिर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहते हैं, ठीक है। तो हमारी पॉइंट का नाम है प्रेयर, दुआ, प्रार्थना, ठीक है। तो हम अब उसकी समरी पे आते हैं। दरअसल जब भी हम प्रेयर करते हैं या प्रार्थना करते हैं, तो हम भगवान से या गॉड से या खुदा से हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है। तो वहाँ तक जाने का कोई डायरेक्ट सोर्स तो है नहीं है, हम अपना एक मैसेज या फिर अपनी दुआ उस तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी एक दुआ है, एक प्रेयर है, जिसको हमारे पोइट ने गॉड तक पहुंचाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये एक लेटर की फॉर्म में है, ठीक है, वो अपना एक मैसेज गॉड तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो उसी को हम पढ़ते हैं समरी के माध्यम से। इसमें लिखता है ये, द पॉइम इज एड्रेस टू गॉड। सबसे पहली बात, ये जो पॉइम में जितनी भी बातें उसने लिखी हैं, किसको लिखी हैं? गॉड को लिखी हैं, ठीक है, ये भगवान को लिखी हैं, खुदा को लिखी हैं। द पोइट इम्प्लोर्स हिज लॉर्ड टू लीड हिम टू द पाथ ऑफ ट्रुथ। इम्प्लोर का मतलब होता है बहुत रिस्पेक्ट के साथ, बड़ी पोलाइटनेस के साथ किसी को रिक्वेस्ट करना, ठीक है। तो वो गॉड के सामने बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस के साथ उसको क्या दुआ मांगता है उससे, वो ये कहता है कि मुझे हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने की हिम्मत देना, ठीक है, कि हमेशा मैं जब रास्ते पर चलूँ तो वो रास्ता कैसा हो, सच्चाई वाला हो, झूठ के रास्ते पर मैं कभी भी ना जाऊँ, उसकी पहली दुआ है ये। ही हैज़ बीन सिंस लॉन्ग पास्ट ड्वेलिंग इन द हाउस ऑफ इग्नोरेंस। वो आगे कहता है कि सदियों से मैं बचपन से अपनी ज़िंदगी भर में मैं अंधेरे में जहालियत की ज़िंदगी जी रहा था मैं, ठीक है। तो मुझे इस जहालियत की ज़िंदगी से निकाल करके, सो ही रिक्वेस्ट हिज लॉर्ड टू पोर अपॉन हिम द नेक्टर ऑफ नॉलेज। अब उससे वो क्या दुआ कर रहा है कि मेरी जो ज़िंदगी बीत गई है वो जहालियत में ही बीत गई है, ठीक है, बट अब मेरी जो जीवन मेरा आने वाला है, मेरी जो फ्यूचर की ज़िंदगी है, मुझे उस अंधेरे से निकाल करके रोशनी की तरफ मुझे ले जाना, ठीक है। मेरे ऊपर नॉलेज का जो नेक्टर है, यानी जो अमृत है नॉलेज का, वो मेरे ऊपर बरसाने की कृपा करना, ठीक है। ही वॉन्ट्स हिज लॉर्ड टू बी रिसेप्टिव टू हिज फेलिंग्स एंड प्लीज एंड गिव हिम रिड ऑफ ऑल इल्स एंड पेंस। वो आगे क्या दुआ करता है कि इतना रहम मेरे पे करना कि मैं जो भी रो रो कर तेरे से दुआ मांग रहा हूँ, तो इस मेरी दुआ को सुनते रहना, ठीक है। मैं जो जो भी प्रार्थना कर रहा हूँ, जो जो भी मेरी दुआ है, इस दुआ को कबूल करने के काबिल तो मुझे बना देना, ठीक है। मेरी हर दुआ कबूल हो तो मुझे इस काबिल बना दे, ठीक है। ही इम्प्लोर्स हिम टू बी ऑलवेज काइंड टू हिम सो दैट ही विल नेवर फील हिमसेल्फ इन वॉन्ट। कहता है मुझ पे इतना रहम बना के रख कि मुझे कभी किसी इंसान के पास जाने की जरूरत ना पड़े, मुझे कभी किसी चीज़ की जरूरत महसूस ना हो, मेरे पास हर चीज़ अवेलेबल रहे, ठीक है, हमेशा मेरे पर ऐसी कृपा बना के रख। ही अर्नेस्टली रिक्वेस्ट हिम टू सेव हिम फ्रॉम स्लॉथ इन्फर्मिटी एंड डाउट। वो लास्ट में उससे क्या रिक्वेस्ट करता है, क्या उससे क्या प्रार्थना करता है वो, कि मुझे इन बीमारियों से हमेशा बचा करके रखना। क्या क्या बीमारियां हैं? इंसान की ज़िंदगी में कुछ दिक्कतें होती हैं, कुछ बीमारियां होती हैं जो उसको आगे बढ़ने से हमेशा रोकती रहती हैं, ठीक है। तो उसमें वो किसकी गिनती कर रहा है, वो सबसे पहले वो कहता है स्लॉथ, कि मुझे इससे बचा करके रखना, किससे?
स्लोथ, स्लोथ बोलते हैं बहुत स्लो रेट ऑफ ग्रोथ को, मतलब हमेशा इंसान की ज़िंदगी में सोचती आई रहती है कि यार आज नहीं ये काम कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, ठीक है। इंसान हमेशा काम से बचने की कोशिश करता रहता है, ठीक है। तो इस सुस्ती को कहते हैं स्लोथ। और वैसे भी आपको बता दूं, स्लोथ नाम का एक क्रीचर है, एक लिविंग बींग है, एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी स्पीड दुनिया में सबसे कम होती है, ठीक है। तो यानी मुझे इस तरह का बना दे कि मैं स्लोथ की तरह एक ही जगह पर सदियों तक ना पड़ा रहूं, मैं हमेशा क्रिएटिव रहूं, हमेशा डायनेमिक रहूं, हमेशा मूवमेंट में रहूं, हमेशा हिम्मत में जागता जिंदा रहूं मैं, ठीक है। ऐसी दुआ मांग रहा उससे वो। फिर मांगता है इन्फर्मिटी, कि मुझे इन्फर्मिटी से दूर रखना। फर्म का मतलब था पक्के विश्वास वाला, ठीक है। तो कहता है मैं हमेशा ज़िंदगी में जिस भी काम को करूँ उसको भरोसे से करूँ, विश्वास से करूँ, कॉन्फिडेंस से करूँ, मुझे इस तरह का बना दे। एंड डाउट, मैं कभी भी डाउटफुल ना रहूँ, ठीक है। मेरे दिल में कभी वहम मत रहे, मुझे इन बीमारियों से हमेशा दूर रखना। इनकी जगह पर मेरे व्यक्तित्व को किससे भर दे, वो क्या मांग रहा है। एंड सरचार्ज हिज हार्ट विद पैशन, जेस्ट एंड होप। इन बीमारियों को मेरे अंदर से बाहर निकाल करके मेरे दिल में क्या भर दे, पैशन। किसी भी चीज़ को पाने का पागलपन जो होता है ना, उसको पैशन कहते हैं। जेस्ट हिम्मत को कहते हैं, कॉन्फिडेंस को कहते हैं, एंथुजियाज्म को कहते हैं। और होप कहता है मेरी ज़िंदगी में कभी भी उम्मीद खत्म ना हो, मुझे इस तरह का बना दे, ठीक है। तो बस ये छोटी सी हमारी पॉइंट थी। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ उसका ओवरव्यू, कि वो क्या मांगता है। स्टार्टिंग में वो अपने गॉड से प्रार्थना करता है कि मुझे हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चला, ठीक है। अभी तक मैंने जो ज़िंदगी जी है वो जहालियत की ज़िंदगी जी है मैंने, ख़त्म करके अब मुझे नूर की तरफ लेके चल, वो ऐसा मांगता है उससे। और फाइनली वो कहता है कि मैं जो भी तरह से रो रो कर प्रार्थना कर रहा हूँ, उस मेरी प्रार्थना को सुनना तो, ठीक है। रिसेप्टिव मीन्स उसका जवाब जरूर देना मुझे। और फाइनली वो कहता है कि मेरे अंदर जो बीमारियाँ हैं, स्लॉथ, इन्फर्मिटी, डाउट, इन तकलीफ़ों को, इन बीमारियों को, इन बुराइयों को मेरे अंदर से निकाल करके इनकी जगह पे मेरे अंदर क्या भर दे, पैशन, जस्ट एंड होप, हिम्मत, जज्बा और उम्मीद भर दे मेरे अंदर ये, ठीक है। तो ये हमारी छोटी सी पॉइंट थी। मैं इसके साथ साथ ही आपको इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेता हूँ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वे डज द पोइट इम्प्लोर्स हिज लॉर्ड टू लीड हिम टू। किस तरह के रास्ते पर वो चलने के लिए दुआ मांग रहा है, कि मुझे कैसे रास्ते पर चलने की हिम्मत दे, सच्चाई के रास्ते पर, ठीक है। तो इसका एक लाइन में आंसर है, सच्चाई के रास्ते पर, ठीक है। द पोइट इम्प्लोर्स हिज लॉर्ड टू लीड हिम टू द वे ऑफ ट्रुथ, सच्चाई के रास्ते पर चलने की दुआ करता। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द ब्लेसिंग्स दैट द पोइट प्रेज फॉर। कौन कौन सी चीज़ों को वो मांग रहा है उससे, ठीक है। मैंने अभी आपको पॉइंट में बता दिया कि किस किस चीज़ों की बात कर रहा है। आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में रिटन फॉर्मेट में मिल जाएंगे PDF, ठीक है, वहाँ से आप नोट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप मुझे अपना फीडबैक दे करके आप पूछ सकते हो, उसकी ट्रांसलेशन आपको यहाँ से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, ठीक है, चिंता नहीं करनी आपको। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज दैट द पोइट वांट्स टू सिंग। क्या गाना चाहता है वो, किस तरह की वो प्रेयर्स को चांट करना चाहता है, गाना चाहता है। तो हमारी समरी में वो बात आई नहीं है, बट वो कहता है कि मैं हमेशा इस तरह की पोइम्स गाऊँ जिनमें जिनको सुनकर के इंसान के अंदर हिम्मत जाग जाए। मैं ऐसे गाने ना गाऊँ कि जिनको सुनने के बाद इंसान को नींद आ जाए बस, ठीक है। वो कहता है कि मेरी हर चीज़ से इंसान को इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए। नंबर फोर है, सब्जेक्ट मी नॉट टू ट्रायल्स, शेम नॉट माई ह्यूमन फॉर्म, एक्सप्लेन। इस लाइन का मतलब क्या है असल में, कि मुझे मेरी बहुत ज़्यादा परीक्षाएं मत लेना, मेरे टेस्ट मत लेना, मैं सिर्फ शक्ल से इंसान लगता हूँ, बाकी मेरे अंदर ऐसी कोई भी अच्छाई नहीं है जो मुझे इंसान बनाती हो। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब बुराई से भरा हुआ इंसान मानता है, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी से कुछ मांगते हैं ना, तो हमें सबसे पहले अपनी जो ईगो है उसको ख़त्म करना पड़ता है, फिर हमें कुछ मिलता है, ठीक है। तो वो गॉड के सामने जब प्रार्थना कर रहा है तो वो क्या चाहता है, कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मैं इंसान हो ही नहीं है सब, सिर्फ शक्ल से मैं इंसान लगता हूँ, बाकी मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं है, ठीक है। तो इसलिए तो मुझे मेरी शक्ल को देख के, मुझे इंसान समझ के मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मेरे टेस्ट मत लेना, मेरी परीक्षाएं मत लेना, मैं फेल हो जाऊंगा, ठीक है, मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं है, ठीक है। तो इस लाइन में वही चीज़ दिखाई गई, आप इसके आंसर को नोट कर लेना, अगर दिक्कत है तो मेरे को बताते रहना। लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफाई द सिमलीज एंड मेटाफर्स इन द पोइम प्रेयर। सिमलीज एंड मेटाफर्स, असल में ये पोइटिक डिवाइसेस होती हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसकी हेल्प से पोइट अपनी पोइट्री को और ज़्यादा स्मार्ट बना देते हैं, और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं, ठीक है। तो सिमली आपको मैं ऐसे समझा दूँ, आपको पोइम में या प्रोज में कहीं पर भी अगर आपको लाइक, LIKE, अगर ये वर्ड मिलेगा तो वहाँ पर क्या होता है, हम एक चीज़ की लाइकनेस को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। दो चीज़ों की सिमिलरिटी को हम कंपेयर करते हैं,
या तो हम लाइक का यूज करते हैं या फिर एज का, ASS। तो ये दोनों में से कोई भी वर्ड अगर आपको पॉइंट में दिखेगा तो वो वाला जो फ्रेज होगा वो हमारी एग्जाम्पल होगी किसकी, सिमली की। और मेटाफर में क्या होता है, मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, वहां पर एज और लाइक का यूज नहीं करते हैं, इनका यूज किए बिना हम दो चीजों के बीच में सिमिलरिटी को इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। अब आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स निकालनी है पॉइंट में से, मेटाफर्स की और सिमिलीज की। सिमिली में एज या लाइक जरूर होना चाहिए और मेटाफर में ऐसा नहीं होगा, डायरेक्ट कंपैरिजन होगा। तो यहाँ पर इसके आंसर में आपको एग्जाम्पल्स दे रखी हैं, जैसे सिमिली के लिए है लाइक डू, हाउ लॉन्ग शैल आई ड्वेल, हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ द सन। आप अपनी टेक्स्ट बुक को खोलोगे, उसमें जो पॉइम की जो लाइन्स लिखी हुई है ना, उसमें आपको जितनी भी लाइक वाली लाइन्स दिखेंगी वो सारी की सारी सिमिली की इमेजेस हैं, सॉरी सिमिली की एग्जाम्पल्स हैं वो। ठीक है, और मेटाफर्स आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसमें ड्वेल इन इग्नोरेंस ये वाला फ्रेज मेटाफर है, नेक्टर ऑफ नॉलेज, उसके बाद द वे ऑफ ट्रूथ, यू आर माई होप एंड ट्रस्ट, और लास्ट में है यू ब्रॉट मी टू ब्लूम। ये सारे की सारे एग्जाम्पल्स हैं मेटाफर की। ठीक है, तो ये हमारा पोएम का कंप्लीट लेक्चर था। इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे एक समरी मिलेगी, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल एग्जाम में 3 मार्क्स की सिर्फ समरी आती है किसी भी पॉइंट में से, हमारी जैसे पोइट्री में 8-10 पॉइंट्स हैं, तो 10 में से किसी एक पॉइम की जो समरी है उसमें से कुछ ब्लैंक्स खाली छोड़ी जाएंगी, हमने वो ब्लैंक्स भरनी होगी वहाँ पर। ठीक है, तो बोर्ड में, तो हमारी प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में आपको समरी की ब्लैंक्स मिलेंगी, जैसे मैंने आपको समझा दिया है, आप उन ब्लैंक्स को पहले खुद भरोगे और उसके बाद में इसी समरी के नीचे आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे और बाद में आप अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हो वहाँ से। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट पॉइंट थी आज की। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं सेकंड लेसन में, या तो शॉर्ट स्टोरीज में या फिर प्रोज में से देखेंगे। थैंक यू।